दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। बुधवार को जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पूरी दुनिया में अमेरिकी चुनाव की धूम है और लोग नतीजे का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जाहिर है अमेरिका का चुनाव पूरी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अमेरिका के लिए तो जाहिर है। हमारे देश में भी चुनाव चल रहा है बिहार का, और बिहार का चुनाव हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पूरी दुनिया के लिए अमेरिका का चुनाव महत्वपूर्ण हो गया है और जाहिर है उसका असर भारत पर भी पड़ना है, लेकिन बिहार के चुनाव का असर भारत की राजनीति पर, उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी, उसकी जो घरेलू नीतियां हैं, जो केंद्र की मौजूदा सरकार है, जो आगे आने वाले चुनाव हैं, सब पर उसका असर पड़ना है। और बिहार के चुनाव के पहले चरण के बाद जैसे ही सत्ताधारी गठबंधन को ये अंदेशा हुआ, ये अंदेशा तरह तरह से होता है कि महागठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है वो शायद थोड़ा आगे है, तो उसके बाद उन्होंने फेस टू के लिए, यानी जो दूसरे चरण का मतदान था जो उसमें 94 सीटें थीं, उनके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी बदल दी और अब तीसरा चरण है 7 तारीख को, और ये आखिरी चरण है दोस्तों, जिसमें कि 15 जिले की 78 सीटों पर मतदान होना है। दूसरा चरण कल बीत गया 3 तारीख को, तो दूसरे चरण का जब मतदान चल रहा था तो आपने देखा होगा कि देश के टॉप लीडर्स जिस तरह की बातें टेलीविजन पर लाइव टेलीकास्ट में कर रहे थे, एक तरफ मतदान हो रहा था दूसरी तरफ भाषण चल रहा था, वो दूसरे क्षेत्रों के लिए, लेकिन टेलीविजन क्षेत्र तो नहीं तय करता है कि कहां वो उसका टेलीकास्ट देखा जा सकेगा, कहां उसका प्रसारण नहीं देखा जा सकेगा। जहां मतदान चल रहा था वहां भी लोग सुन रहे थे, और जहां मतदान नहीं चल रहा था, चलने वाला है, वहां तो लोग सुन ही रहे थे जिनको खोल कर देखना है टेलीविजन। तो उसमें एक शिफ्ट दिखाई देता है कि कैसे आगे आने वाले चुनावों को सत्ताधारी, जो केंद्रीय सत्ताधारी गठबंधन है, कैसे वो अलग दिशा में ले जाना चाहता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कही और जिसको बीजेपी जेडीयू के सारे नेता उन्होंने रिपीट करना शुरू किया, इसके पहले आपने देखा होगा कि 10 लाख रोजगार के सवाल पर एनडीए एक तरह से, उसने भी 19 लाख रोजगार की बात की, लेकिन जब देखा उसने कि ये क्लिक नहीं कर रहा है और पहले फेज में बिल्कुल क्लिक नहीं कर पाई 19 लाख की बात, लोग मजाक उड़ाने लगे 19 लाख की, तब जाकर उन्होंने जंगल राज को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनाया। इससे भी बात अगर नहीं बनती और लगा कि शायद जंगल राज ना काफी है क्योंकि 15 साल से ये चल रहा है जंगल राज, तो फिर जय श्री राम की बात उठाई गई, मंदिर की बात उठाई गई, और यहां तक कह दिया गया टॉप लीडर्स की तरफ से कि बिहार में जो लोग जय श्री राम आपको नहीं कहने देते वही लोग गठबंधन का लीडरशिप में है, या ये गठबंधन उन्हीं लोगों का है। अब इसको लेकर बिहार में जब से ये बात कही गई है, यानी कल से, तब से इसका मजाक उड़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि बिहार के बारे में लोगों को ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश और बिहार आसपास जरूर है, लेकिन पिछले 15-20 सालों से उत्तर प्रदेश की सियासत किस तरह की है उससे बिल्कुल जुदा, उससे बिल्कुल अलग बिहार की राजनीति है। बिहार की राजनीति में उत्तर प्रदेश जैसा जो एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति उत्तर प्रदेश की है, उस तरह की राजनीति नहीं रही है, डिस्पाइट ऑफ कि वहां पर कम्युनल राइट्स होते रहे, लेकिन उसकी जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की राजनीति है उसमें कम्युनल एजेंडा कभी केंद्रीय मुद्दा नहीं रहा, भले ही भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चलाती रही। इसलिए जय श्री राम की बात जब उठाई गई, वो भी प्रधानमंत्री के स्तर पर, तो लोग बिहार में उस पर हंस रहे हैं, और बिहार में वाकई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या मुद्दा है, यहाँ कौन जय श्री राम बोलता है, और जय श्री राम अगर बोलता भी कोई है तो उसको रोकता कौन है, वहां तो सीताराम, जय श्री राम सब कुछ बोला जाता रहा है, किसी को कोई वहां पर ऐसी चिंता नहीं कि उसके आधार पर लोग राजनीति की रोटियां सेकें या चुनाव में वोट मांगने का काम करें। तो जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, या जो मैंने भी बहुत सारे जो आम लोगों से, वहां के समाजशास्त्रियों से, वहां के प्रोफेसर से जो बातचीत की, उसमें मैंने महसूस किया, और ये सभी वर्ग सभी वर्ण के लोग थे,
उनसे जो जो मुझे समझ में आई बात कि क्या इस पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। पहली बात तो जंगल राज को लेकर कि 15 एक साल से ये सब चल रहा है नारा, ये जुमला 15 साल से है, लेकिन उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जब पड़ना था पड़ा, और जब नहीं पड़ना तो नहीं पड़ा, जैसे 2015 के चुनाव में बिल्कुल नहीं पड़ा था। इसी तरह से आप अगर आप देखेंगे, और 2019 के चुनाव में लोकसभा के बिल्कुल एजेंडा अलग था, लेकिन आप देखिए इस बार फिर से जंगल राज का मुद्दा उठाया गया। अब इसका कितना असर पड़ेगा, क्या फेज टू पर इसका कोई असर पड़ा है, जैसा कि बीजेपी के नेता या जेडीयू के नेता ये सोच रहे हैं कि शायद पड़ा है, उसका तो नतीजा खैर 10 के बाद पता चलेगा। अब आइए जय श्री राम पर, जिसकी चर्चा मैंने की। देखिए उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति का मूल फर्क क्या है, अयोध्या के एजेंडे को लेकर, इसके पहले भी बहुत सारी जो वहां की राजनीति थी उसको लेकर, उत्तर प्रदेश में इस तरह का जो एक विभेदकारी मुद्दा, इस तरह का जो एक लोगों को धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर बांट देने का एजेंडा, वो कारगर अगर बीजेपी के लिए साबित हुआ तो बिहार में नहीं हुआ। बिहार में उसी आंदोलन, कथित आंदोलन या अभियान के नेता लालकृष्ण आडवाणी का रथ रोका गया, उनकी गिरफ्तारी कर दी गई, और फिर भी बिहार में कुछ नहीं हुआ था, आपको याद होगा। तो इसलिए जो एक सोशल जस्टिस की बात, समतावादी जो मूल्य और राजनीति की बात बिहार के ट्रेडिशन में रही है, कभी समाजवादी आंदोलन बहुत स्ट्रांग रहा, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, इसके पहले त्रिवेणी संघ ने एक बड़ा आंदोलन चलाया था भोजपुर शाहबाद इलाके में, फिर इसके बाद वामपंथियों का बहुत जबरदस्त आंदोलन रहा, फिर जेपी मूवमेंट रहा, ठीक है जेपी मूवमेंट के अंदर आरएसएस बीजेपी ने घुसकर काफी फायदा उठाया, उन दिनों जनसंघ था, लेकिन इसके बाद भी कॉम्युनल एजेंडा बिहार की राजनीति का केंद्रीय एजेंडा नहीं बना। और यही कारण है कि जय श्री राम का जो मुद्दा उठाने की बात की कि यहाँ बिहार में रोक रहे हैं लोग इसको, इस पर लोगों ने बहुत गंभीरता पूर्वक लिया ही नहीं, बल्कि आश्चर्य व्यक्त किया कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो इतने अच्छे भाषण करता है, उनको ये मुद्दा कैसे बिहार में क्लिक करने वाला मुद्दा लगा है। तो ये बात जरूर मैं आपके सामने एक तो रखना चाहता था, जो वहां के पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, जो सोशियोलॉजिस्ट या पॉलिटिकल साइंटिस्ट जिनकी बात सुनकर या जिनसे मैंने बातचीत करके ये नतीजा निकाला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो 78 सीटों पर जो अगला तीन चरण में चुनाव हो रहा है, तीसरे चरण में, उसमें जेडीयू ने 23, आरजेडी ने 20, कांग्रेस ने 11, बीजेपी ने 20, सीपीआईएमएल ने 1 और अन्य ने 3 सीटें पिछली बार जीती थी। इस बार जेडीयू आरजेडी का अलायंस नहीं है, इस बार बीजेपी और जेडीयू का अलायंस। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि इस बार एलजेपी कई ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, बल्कि ज्यादातर सीटों पर जहां जहां जेडीयू के उम्मीदवार हैं। और बड़ी दिलचस्प बात है कि बिहार में एलजेपी बीजेपी के उम्मीदवारों के खिलाफ भी चुनाव में उतरी है, लेकिन वो 2-3 जगहों पर, ज्यादा नहीं। सबसे अधिक जेडीयू को वो चैलेंज कर रही है, एलजेपी इस इलाके में भी कई जगहों पर परेशानी में डाल रही है इस पूरे गठबंधन को। तो जिस एलजेपी के जरिए बीजेपी ने कोशिश की थी कि नीतीश कुमार को बांध दिया जाए, वो एलजेपी कई बार ऐसा लगता है कई क्षेत्रों में कि बीजेपी के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही है। और बिल्कुल अंतिम बात दोस्तों, कि जो ओवैसी साहब हैं, ओवैसी साहब की जो पार्टी है जो तेलंगाना, आंध्र या महाराष्ट्र में कुछ पॉकेट्स में एक्टिव रहे, वो इस बार सीमांचल के इलाके में जो तीसरे फेज में ही आएगा, भारी संख्या में उम्मीदवारों को उतार कर, और वो भी चुनाव मैदान में है, लेकिन वहां पर जो आम पसमादा समाज है मुस्लिम का या अन्य मुस्लिम लोग है, वे लोग भी महसूस करते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी जेडीयू अलायंस के लिए एक लाभकारी एक मसला बन जाएगा, अगर इस तरह के जो वोट हैं, इस तरह के जो समाजों के वोट हैं, वो अगर बढ़ते हैं तो। ये एक सीमांचल में एक महत्वपूर्ण डिबेट चल रही है, और देखना यह है कि 7 तारीख को जब चुनाव होगा तो इसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ओवैसी साहब ने कई ऐसी सीटों पर ऐसा लगता है कि बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवारों की मदद में जो कारगर हो सकते हैं प्रत्याशी, ऐसे प्रत्याशियों को भी उतारा है। जैसे अब बराड़ी के चुनाव क्षेत्र में वहां पर तरह तरह के उम्मीदवार हैं, लेकिन जो आरजेडी गठबंधन का उम्मीदवार है उसी के समाजों से जुड़े हुए लोगों को एक तरह से ओवैसी साहब ने भी उतार दिया है। तो कुल मिलाकर बड़ा ही दिलचस्प ये पूरा का पूरा परिदृश्य और सिनेरियो इस इलाके का हो गया है। देखना है
कि अगर बीजेपी जेडीयू इस तरह के जो छोटे छोटे दल हैं, छोटे छोटे जो पॉकेट्स में गठबंधन इमर्ज किए हैं, उनके जरिए क्या महागठबंधन को वाकई चुनौती दे पाता है ये सत्ताधारी गठबंधन, यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है तीसरे चरण के चुनाव का। तो दोस्तों आज इतना ही, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। Thank you.